हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एग्जाम गुरुजी। आई एम काजल। आज हम लोग आईबीपीएस एफओ इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो भी एस्पायरेंट्स इसके लिए एफओ के लिए क्वालिफाइड हुए, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप ये बताना है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एग्री ओशन के नाम से। और अगर आप मेरे वीडियोस आईबीपीएस एफओ की फुल सीरीज देखना चाहते हो, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे वीडियोज और चैनल्स पे जाकर के वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और जो भी है, मतलब और एग्रीकल्चर के विषय में जानना चाहते हैं, और जे आर एफ है, एफओ, आरआरबी, एसओ, नाबार्ड, एनी एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो आप उस वीडियोस के लिंक्स को यूज कर सकते हैं। उसमें और भी सारी चीजों का तैयारी आगे भी होगी, और अभी एफओ का इंटरव्यू चल रहा है, तो आप एग्री ओशन नाम की वीडियो यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं, और लिंक उसकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज गो एंड चेक देयर, एंड प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ओके। तो हम क्या बात करेंगे आईबीपीएस एफओ इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो इसमें आप लोग की डेट्स आ गई है, जैसे कि पता हो चल चुका है, कॉल लेटर आउट हो चुकी है। तो आप लोग को अपने लिए एक अच्छी सी, अब देखो जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले पहुंच जाइएगा आप लोग, ये तो मस्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि लड़के हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। तो ड्रेसअप अगर बात की जाए तो लड़कों के लिए नॉर्मल शर्ट वाइट और लाइट ब्लू और डार्क ब्लू और ब्लैक पैंट विथ बेल्ट मैचिंग विद योर शूज, और हेयर को ट्रिम कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड नहीं रखिएगा, अपनी बियर्ड को भी ट्रिम कर लीजिएगा, और प्रोफेशनल लुक में आपको जाना होगा, और अपने कपड़े को क्लीन, नीट और आयरन कर लीजिएगा। मैंने जब इंटरव्यू के लिए लखनऊ गई थी ना, तो मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे लगता था कि सब लोग तो बहुत प्रिपेयर होकर आते होंगे, लेकिन मैंने वहां कुछ लोगों को देखा, वो ऐसे आए थे जैसे लग रहा है किसी दुकान पे गए हैं सामान लेने के लिए। मतलब कपड़े पहने तो हैं लेकिन वो अनआयर्न है, गंदे लग रहे हैं, कोई जैसे बाल उड़े हुए हैं, ट्रिम नहीं है, किसी की दाढ़ी बड़ी बड़ी, क्या ये इंटरव्यू में नहीं आया कि मजाक चल रहा है? ऐसा प्लीज नहीं कीजिएगा, बाल को अच्छे से ट्रिम कर लीजिएगा, अच्छे से झाड़ वाड़ के, मतलब अच्छा वेल डन प्रोफेशनल बनकर जाइएगा, ठीक है। और अगर आप टाई भी यूज कर सकते हैं, कोट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नहीं यूज करते तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो हो गया लड़कों के लिए, और अपने नेल्स वेल्स भी कट कर दीजिएगा, ठीक है। और लड़कियों की जहां तक बात करते हैं, तो लड़कियों को वो कुर्ती पहन सकती हैं, सूट पहन सकती हैं, ये दो प्रिफरेबल है, बाकी पहनने को तो कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई ड्रेस कोड तो आइडेंटिफाइड यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, पहनने को तो कुछ भी पहन सकता, बट ये प्रिफर अच्छा लगता है, ठीक है, इंटरव्यू के लिहाज से। तो और सैंडल नो खट्टर खट्टर, प्लीज खट्टर खट्टर वाला, बहुत वहाँ इतनी शांति होती है ना, इतना ज्यादा इतना साइलेंस होता है ना, कि आप थोड़ा सा भी आवाज अगर होगा ना, सुई भी गिरेगी ना तो आवाज आती है। तो अगर आपकी सैंडल का अटेंशन, उन सैंडल का आवाज उनका अटेंशन खींचता है, तो नॉट अ गुड थिंग, ओके, ऐसा नहीं करिएगा। सैंडल जो भी उसकी जगह ऐसा भी उसको ना हो, साउंड रिपेल करता, साउंड ना आती है उसमें से, ठीक है। और फिर उसके बाद लड़कियों के लिए, और जैसे कि अपने नाखून को छोटे छोटे रखिएगा, इयररिंग्स नॉर्मल रखिएगा, बहुत बड़े बड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि बहुत क्या बोलते हैं, मेकअप चेहरे पे ना हो, बहुत ही सिंपल और सोबर लुक आना चाहिए, स्मार्ट और हाई फाई टाइप लुक मत ज्यादा करिएगा, नॉर्मल रखिएगा कि सब कुछ नॉर्मल लगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा हेयर स्टाइलिंग भी करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल से आप छोटी कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, बस बहुत ही नहीं कि पूरा आगे से या गाच में पूरा हेयर स्टाइलिंग करके जा रही है, सब नहीं करिएगा। आप किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रहा है, ऐसा लोग कई लोग करके आते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं तो हम अगर ना देखे होते ना अपने आंखों से तो शायद ना कहते, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है वो सारी चीजें। यू नो डार्क लिपस्टिक लगा के आ जाती है लड़कियां, यार
मतलब जैसे पार्टी में लिपस्टिक नहीं लगाते हैं मैट वाला, वो ऐसे ही लगा के आ जाती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, नॉर्मल सा लगाए रहो ठीक है चलता है, लेकिन एकदम वो डार्क वाली लिपस्टिक लगा के, इयररिंग्स बड़े बड़े लगा के आ जाती है, बाल स्टाइलिश, दुपट्टे एकदम लहराते, एकदम चटक वटक कलर, ये सब नहीं अच्छा लगता है। ठीक है एकदम लाल पीला कलर रहेगा, ये सब ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होते हैं ना, आंखों को बहुत ज्यादा वो लगते हैं। तो कोशिश करिएगा कि कपड़ों का जो कलर हो ना वो लाइट हो, लाल पीला नीला हरा, ये चार कलर से स्पेशली बचिएगा, और बाकी ब्लैक ब्लू मिक्स कलर यूज कीजिएगा, जो थोड़ा सा देखो जैसे ये स्क्रीन की कलर आपको दिख रही है ना, ये बहुत ज्यादा चटक नहीं है ना कि आपको वो नहीं लग रही है, बहुत सब कुछ बहुत फॉर्मल सा कलर लग रहा है ना, कुछ ऐसे कलर को यूज कीजिएगा, देख लीजिए जैसे स्क्रीन की कलर है ना, स्क्रीन पे जो कलर यूज किए दैट इस कलर का कुछ हल्का सा यूज करना, ठीक है। और ये तो हो गया सारे हम लुक्स के बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अब क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, देखो इंट्रोडक्शन की जहां तक हम बात करते हैं, पहले तो एक चीज आप कंफर्म कर लेना कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जिस भी गांव से बिलोंग करते हो, वहां पे अगर कोई स्पेशली स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, स्कीम्स चलती हैं तो जैसे जैसे कि मतलब कोई आपके यहाँ स्पेशली स्कीम्स चलती है, तो वहाँ का आपको स्पेसिफिकली जो भी स्कीम चलती है उसके बारे में डिटेल आप जान लीजिएगा। ये तो आपके गांव के रिलेटेड हो गया, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो गया, लेकिन कुछ नेशनल स्कीम्स होती हैं, नेशनल लेवल की स्कीम्स होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी जो स्कीम्स, इनका कब आया, इसका पर्पज क्या है, इसकी टैगलाइंस क्या है, इसके पर्पज कैसे, क्या बेनिफिट हुआ, इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ, ओनली ऑन प्रैक्टिकल लेवल, नॉट ऑन थ्योरेटिकल लेवल। थ्योरेटिकली इसका नहीं हमें डेटा चाटना है, ऐसा नहीं करिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका प्रैक्टिकल व्यू जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रैक्टिकली इसको क्या फायदा हुआ, इससे कुछ हुआ, मतलब इसके कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, ये होता क्या है, ये सारी चीजें आप याद रखना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि अगर आप जैसे जिस स्टेट से, जैसे हम मतलब आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो ठीक है अगर मैं वाराणसी से हूँ तो वाराणसी की जैसे स्पेशलिटी क्या है, तो ठीक है हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि यहाँ का बनारसी पान फेमस है, यहाँ का बनारसी साड़ी फेमस है, ये सब नहीं बोलना है, ये सब तो एक एक नॉर्मल इंसान भी बोल सकता है ना, तो यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर गोइंग टू बी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो यू आपको अपने लिए थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेसिफाई योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। आपको एकदम नॉर्मल सा नहीं बोलना है, आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन करना है, जैसे कि आप लोग इंटर हाई स्कूल में पढ़े होंगे ना कि हाँ यहाँ पर कबीरदास जी का जन्म हुआ, यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ, कुछ तुलसीदास जी ने यहाँ के तुलसी घाट पर बैठ करके रामचरित्र मानस की रचना की, यहाँ पे यहाँ के मणिकर्णिका घाट पे सती जी ने अपने आप को अग्निदाह दिया था, और यहाँ पे हरिश्चंद्र जी ने इसी मणिकर्णिका घाट पे वस्त्र मांगा था अपनी पत्नी से, ये सारी चीजें कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप मतलब ये मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने लिए अपने अपने स्टेट और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ढूंढ लीजिएगा, और जैसे कि मतलब इतिहास से रिलेटेड, इतिहास में स्टेट का क्या रेलेवेंट रहा है ये बताना होता है, और जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आप BHU का नाम लेंगे अगर, तो उसके VC प्रेजेंट में कौन है ये याद रखने लगा, आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के CM कौन है, उप CM कौन है, और फिर उसके बाद यहाँ का MLA कौन है, MP कौन है, ये सब देख लेना, और जैसे BHU का नाम ले तो इसके VC कौन है, अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम लिए इसके VC कौन कौन है, संस्कृत महाविद्यालय का नाम ले तो इसके VC कौन है, ये सारी चीजें जब हम लोग बात कर लेते हैं तो ये सब चीज, जैसे आप एक इंटरव्यू का ये खासियत होता है ना कि अगर आप कोई भी पॉइंट अपने आप से देखो ना मिरर में, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपने ये बोला तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट कैन यू क्रॉस योर क्वेश्चन, जैसे कि हाँ BHU का नाम जैसे आपने लिया तो आपको BHU के बारे में पता होना चाहिए, कि अगर मुझसे पूछ ले डायरेक्ट उसके VC कौन है तो तुरंत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अब उसके अंदर ज्यादा नहीं घुसेंगे लेकिन इतना होना चाहिए, फिर उसके बाद और आप क्या बता सकते हो, जैसे यहाँ का क्या फेमस है, कौन सी मिठाई फेमस है, मुझसे ये भी पूछा गया था कि बनारस की कौन सी मिठाई फेमस है तो मुझे बताना पड़ा था, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मतलब कल्चरल क्या फेमस है, ये जो वर्ड काशी है इसका इतिहास में क्या रेलेवेंट रहा है, काशी नरेश कौन
कौन है ये सब पता होना चाहिए ना। मतलब मैं काशी की तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ओनली काशी। जैसे आप अपने अपने स्टेट, जैसे जयपुर का कोई है, कोई बीकानेर का है, कोई पुणे का है, कोई झांसी का है, अलग अलग जहाँ के जो भी लोग हों, वहाँ का जो भी ऐतिहासिक चीजें हों, जो वो आप उसको एक्सप्लेन करिए, दैट गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर एग्जाम्स। और आप इसकी प्रिपरेशन करने की जहाँ तक बात है, तो उसकी आप प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हो कि हाँ, आप इसकी और अगर डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप एग्री ओशन नाम के चैनल पर जाइए, और वहाँ पे आपको AFO इंटरव्यू सीरीज पूरी मिलेगी, आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। और आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा तो आप वहाँ कमेंट करिए, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप एग्री ओशन चैनल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, AGRIOCEN, और वहां पे जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।